हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसिविल एनी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबकी क्वेरीज थी कि सर इंटरव्यू के पार्ट टू भी बनाइए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं पार्ट टू भी देता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप सबने इंटरेस्ट दिखाया इंटरव्यू वाले जो हमारी वीडियोस थी, और काफी लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया, अच्छी बात है। अभी जो नए लोग हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाना। अब हमारी फैमिली धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका है और आप लोग ही हेल्प कर रहे हो तभी जाके कुछ हो रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स मैं तो शेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ, जस्ट व्हाट्सएप पे कुछ लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ गिन के, उनको भी लगता होगा सर डेली मुझे वे शेयर करते हैं, बट वही मेरे को ऑप्शन है और टाइम नहीं मिल पाता यार। चलो तो इंटरव्यू में जब हम लोग बात करते हैं, तो एक बच्चे ने एक आंसर किया था कि सर लेजी होना इंटरव्यू के लिए अच्छा होता है, और आपने गलत बोला है उसको, मतलब कि लेजी होना आपने उसको गलत बताया। तो यार ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। आप जा रहे हो एक डिजाइन इंजीनियर की पोजीशन के लिए, आप जा रहे हो एक साइट इंजीनियर की पोजीशन के लिए, सपोज आप लेजी हो तो क्या होगा, आप साइट पे पहुंच ही नहीं पाओगे, करेक्ट, क्योंकि आप तो लेजी हो। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हो। अब मैं जिस पोजीशन के लिए बता रहा हूं, ऑफकोर्स मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करूंगा कि लेजी होना हमारे प्रोफाइल में अच्छा नहीं है भाई, बहुत काम रहता है, अगर आप लेजी हो गए तो कंपनीज आपको पसंद करने वाली नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद जो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन का जो दूसरा क्राइटेरिया लोग देखते हैं, अगर थोड़ा सा मैं आप टेक्निकल के राउंड की तरफ जाना चाहूंगा, तो लोग सबसे पहले आपका विजुलाइजेशन चेक करते हैं। विजुलाइजेशन जिसका चेक मतलब तेज है, मतलब अच्छा है, वो अच्छा एलिवेशन बना सकता है, वो किसी भी चीज का अच्छा लुक दे सकता है, तो विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर आदमी से आज के टाइम में इंटरव्यू पूछा जाता है मिसिंग व्यू, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो मिसिंग व्यू मतलब आपका फ्रंट दे दिया तो एलिवेशन कैसे, मतलब उसका आइसोमेट्रिक कैसे बनेगा, मतलब पर्सपेक्टिव व्यू दे दिया तो उसका लेफ्ट टॉप राइट फ्रंट में से कोई एक व्यू बनवा देंगे। तो मिसिंग व्यू आप डालो इंटरनेट पे, ढेर सारी ड्राइंग्स मिलेगी, क्योंकि एकदम प्रैक्टिस कर जाओ, हर एक इंटरव्यू का फिक्स क्वेश्चन हो चुका है मिसिंग व्यू। तो ये आपको ध्यान में रख रहा है भाई, मिसिंग व्यू तो हमको क्लियर करके जाना है। और इसके बाद मैं एचआर में इस थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि लोग पूछते हैं कि वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। तो कुछ लोग तो बड़े महान होते हैं, वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, या लाइक आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन कंपनी, इस तरीके के आंसर दे देते, जो कि सरासर गलत है। ये फ्रेशर वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा गलत करते हैं जिनका पहला दूसरा इंटरव्यू रहता है, तो कभी कभी तो हंसी भी आती है, लेकिन ये गलत है। तो इस पे फोकस करना है कि ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना कंपटीटर क्यों हायर करेगी। अगर आप भी वही को प्रोफाइल में जाने वाले हो जिस प्रोफाइल के लिए वो काम कर रहे हैं, मतलब आप उसके कंपटीटर हुए, और कंपटीटर को हायर करके कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा। तो इसका ध्यान देना कि इस तरीके का आंसर मत देना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी खोलनी है, आप अपने अंदर रखो ना उसको, सामने वाले क्यों बताना। और आपको बताना है तो आप सिर्फ ये बताना कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजरियल पोजिशन इन योर कंपनी और इन रेपुटेटेड कंपनी। तो अब वो समझ में आएगा, चलो ठीक है, इंटरेस्टेड है, काम करेगा, इसके बाद मैनेजर बनना चाहता है, चलो ये सब चीजें अच्छी है। कभी भी ये पहला वाला आंसर मत देना भाई कि मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे कि कभी कभी लोग हॉबी से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछते हैं, तो हॉबी में आपको क्लियर नहीं रहता कि मेरी खुद की हॉबी क्या है, ठीक है। अब खुद की हॉबी के बारे में अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैं बताने वाला हूँ कि सपोज यू आस्क टू मी लाइक व्हाट्स योर हॉबीज, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ट्राई टू रीड द बुक्स। तो अब डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एचआर के तरफ से कि लास्ट टाइम व्हिच बुक यू रीड। अब आपको खुद नहीं पता कि मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी थी, मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि फिर मेरी याद, मेरी बहुत फेवरेट बुक है, तो राइटर कौन है, डॉक्टर कुमार विश्वास। कौन कौन कुमार विश्वास जी के फैन है नीचे कमेंट करना, मैं तो हूँ, तो मुझे पता है, मैं इनकी हिस्ट्री बता सकता हूँ, कहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ हुआ, कब पैदा हुए, क्या उन्होंने कैरियर में किया, मुझे सब कुछ पता है। तो इस तरीके की हॉबीज होनी चाहिए जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपकी हॉबी ये नहीं कि हमने रीडिंग बुक तो थी या ट्रेवलिंग तो थी, और लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे ये भी याद नहीं है भाई। ट्रेवलिंग हॉबी है मतलब आप हमेशा घूमने जाते हो, इस तरीके से बताओ। अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो भैया सीधे बता दो, मैं कुकिंग मेरी हॉबी है, और कुकिंग बड़ा इजी है, लेकिन ऐसे लोग कुकिंग मत बताना जिनको चाय बनाना भी नहीं आता है,
ठीक है, कुकिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इस इंटरव्यू में, एज लाइक लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। कुकिंग बोल देंगे तो बस हो गया, अब उनको तो पता ही रहता है कुकिंग में क्या करते हैं। आजकल तो लड़कों को भी पता होता है, बट मुझे नहीं पता होता, मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है, लेकिन दूसरे लोगों को पता होता है, मैंने देखा है। तो इस तरीके का आपको आंसर थोड़ा सा दिमाग वाला देना है, सामने वाले को लगे कि नहीं आंसर भी हो गया और पता भी नहीं चला। दूसरी चीज, मैं इंटरव्यू में देखता हूँ लड़के ऐसे ऊपर देखने लगते हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछो वो ऐसे ऊपर देखने लगते हैं। मतलब पूछो मैंने कि स्ट्रैप बीम, व्हाट इज स्ट्रैप बीम, ऐसे ऊपर देख रहे जैसे ऊपर लिखा हुआ है आंसर। भाई आप अपने प्रेजेंट आप माइंड को खराब कर रहे हो, ऊपर देख के क्या हो रहा है, सामने वाले से आई कॉन्टेक्ट आप खत्म कर रहे हो, सामने वाले को लग रहा है ये इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपको बोलना है जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे अगर आपको नहीं आता तो आप सीधे बोलो नो सर। उससे फायदा क्या होगा, सामने वाले को लगा बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा ईमानदार है, इसको टाइम लॉस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुरंत बोला इसने सर नो सर हम आगे बढ़े, ये अच्छा आंसर है। बट इसके जगह पे घुमा रहे हो झूठे, तो इंटरव्यूअर बेवकूफ नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा है, आपको उसको कुछ किया होगा तभी इंटरव्यू ले रहा है, राइट? तो वो नहीं पसंद करता है कि आप उसको टाइम पास करवाओ। इसके बाद लास्ट में जब कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे पूछना चाहिए। क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए, सामने वाले को लगेगा कि यार ये सबसे पूछा जाता होगा, ये सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन इंटरेस्टेड है इसलिए तो पूछ रहा है। आप पूछ सकते हो सर वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, या आप पूछ सकते वर्किंग आवर्स, फ्रेशर लोग मत पूछना यार गड़बड़ हो जाता है, मतलब थोड़े से अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो ओके है, ठीक है। आप पूछ सकते हो सर कि हम लोग कौन कौन से सेक्टर में काम करने वाले हैं, आप पूछ सकते हो सर व्हाट इज माय डेजिग्नेशन आफ्टर माय सिलेक्शन इफ आई गेट सिलेक्शन हियर, इस तरीके के क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो जिससे कि सामने वाले को लगे कि नहीं ये इंटरेस्टेड बंदा है, और इस तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हो। अब पार्ट 3 भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, अब मैं पार्ट 2 के अकॉर्डिंग देखूंगा पार्ट 3। जस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो शेयर करते रहो यार, क्योंकि ऑफकोर्स मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, बट अभी भी हम लोग 100 200 300 तो क्रॉस भी नहीं कर पाते, इसी इतने ही व्यूज हम लोग लेके आ पा रहे हैं। बट ठीक है, मैं तो देखता हूँ अपने वन मतलब पहले दिन को जहाँ पे मैंने 1 व्यूज पाए थे, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, जब तक लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और तभी तो लोग सपोर्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। और प्लीज़ जो कॉलेज में बच्चे हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार, आप हॉस्टल में रहते हो एक रूम से दूसरे रूम में थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर दोगे, वैसे भी हॉस्टल में सारी मस्ती तो होती है, तो एक मस्ती ये भी हो जाएगी तो अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।